हम में से कितने अपने दिलों पर ये बोझ लिए फिरते हैं कि ऐसे से वैसा हो गया तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कितनी बातें हैं जो मर्दानगी का वास्ता देकर जुबान पर लाने ही नहीं दी जाती। अरे मर्द बनो, लड़कियों की तरह मत रो, मर्द को दर्द नहीं होता। इन शॉर्ट, ड्रामा मत करो, डोंट बी अ ड्रामा क्वीन। वैसे तो भरम बहुत है हमारे कि हम एक अच्छे बाप भी हैं और अच्छे भाई भी हैं और अच्छे शौहर भी हैं। इस भरम के अंदर ना हम अपनी सेल्फ तो कभी एक दूसरे के साथ बांट ही नहीं पाते। आप अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर कर पाते, सॉरोज या अपने गिल्ट, अपने रिग्रेट्स नहीं बता पाते, आप वीक भी नहीं बढ़ सकते। You're listening to BBC podcast Drama Queen। नजरें चुरा चुके बहुत, अब नजरें मेरा के देखी। It's time we accept दर्द सबको होता है। एक छोटा लड़का था जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे, 14 साल का था। वो बोला, आई हेट बींग अ मैन। ही सेड, जब मैं 9 साल का था तभी मुझको मालूम पड़ गया कि मेरी जिंदगी निकलेगी खाली कमाने में। हेलो हेलो, मैं हूँ समरा एंड आई एम बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ ड्रामा क्वीन। आई हेट बींग अ मैन। टूट कर मोहब्बत करना क्या सिर्फ औरत का फन है या औरत का हक है? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि इंसान होने के नाते ये तो हमारी फितरत है, हमारी ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है, राइट? तो फिर रोने, थकने और शिकायत करने का हक मर्द को क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये इंसानी बिहेवियर्स नहीं है? बस यही तो समझना है। बट बिफोर दैट, लेट मी रिमाइंड यू कि इस पॉडकास्ट के बारे में आप अपनी राय, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बीबीसी उर्दू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #DramaQueen के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस बीबीसी पॉडकास्ट। राइट, चलिए तो आपको अपने आज के गेस्ट से मिलवाती हूँ। इंडिया में सोशल इश्यूज के अराउंड बहुत सारा रिसर्च वर्क कर चुकी, 25 से ज्यादा सालों तक यूएन और वर्ल्ड बैंक के साथ जेंडर इश्यूज पर काम कर चुकी, टेड टॉक स्पीकर, 17 से ज्यादा किताबें लिख चुकी सोशल रिसर्चर दीपा नारायण हमारे साथ हैं। आपने तो बहुत कह डाला भाई, मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे गेस्ट हैप्पी हो तो ही हैप्पी कॉन्वर्सेशन होती है। दीपा की इस एपिसोड में शामिल होने की एक और बड़ी वजह ये भी है कि वो इंडिया में मैस्कुलिनिटी के बारे में, यानी मर्दानगी के बारे में खुद एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च पर बेस्ड रिसेंटली एक पॉडकास्ट पेश कर चुकी हैं जिसका नाम है व्हाट्स अ मैन। आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हम टॉपिक्स की नब्स इंडियन और पाकिस्तानी गेस्ट के साथ मिलकर टटोलते हैं, क्योंकि आज भी हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल, हमारे इश्यूज़ एक जैसे हैं। अगर आप पाकिस्तानी टीवी शोज देखते हैं तो आप इन्हें शायद आवाज़ से ही पहचान जाएंगे। पिछले दिनों टीवी शो परिजाद में आपने इन्हें नासाज के किरदार में देखा। अदील, मैं बुनियादी तौर पे कंटेंट क्रिएटर हूं और एक आधी फिल्म की भी है, एक आधा ड्रामा किया हुआ है। बेसिकली दीपा, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत मॉडेस्टी से काम ले रहे हैं। वो तो मालूम पड़ रहा है। हाँ, सो ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत बासर, बहुत इफेक्टिव इनकी आवाज़ है। इनका नाम है अदील अफजल। तो बातचीत शुरू करने से पहले हाउ अबाउट मैं आपको एक क्लिप सुनाती हूँ। हमने इंडिया में और पाकिस्तान में कुछ मर्दों से बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि एक मर्द कौन होता है, क्या होती है मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी क्या होती है, आप क्या समझते हैं? हम समाज के साथ रह करके समाज की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करा और समाज के साथ मिलजुल करके हम हर काम में कुर्बानी दे, ये मर्द है या मर्दानगे हैं। जिसकी मेरे साथ शादी हुई है उसका पूरा खाना खर्चा, हर एक जिम्मेवारी, बीमारी से लेकर हर एक चीज़ मैंने देखना, वो मेरी जिम्मेदारी है। नेचर ने मर्द को कम्प्लीट बनाया है, उसकी जिम्मेदारी पूरा समाज होता है। सारी कायनात जो बनाई गई है वो मर्द के इर्द गिर्द बनाई गई है। तो हमने तकरीबन 40 मर्दों से बात की और उसमें से कुछ जो इंटरेस्टिंग बातें थी मैं आपको सुना रही हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट सभी ने जो मर्दानगी के बारे में जो बात की तो मुझे ये समझ आया कि जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं सब मर्द, कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, कुल कायनात उनके अराउंड बनाई गई है ये बात कर रहे हैं, कुर्बानी है उसमें, जिम्मेदारी है, मुकम्मल होना है, ये सब बातें हैं। कहीं भी इमोशंस की, जज्बात की, एहसास की, प्यार की, जेंटलनेस की, कंफर्ट की, साथ की कोई बात नहीं कर रहा है।
दीपा, आपने इतना सारा काम किया है, आई थिंक अराउंड 300 मेन यू स्पोक टू फॉर योर पॉडकास्ट, एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है उसमें बहुत डिटेल्ड आपने बात की है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम मर्दानगी को एक ताकत, डिसिप्लिन, कमांड, अथॉरिटी, इस सब से जोड़कर जो हमारी हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, इसके मर्दों को क्या नुकसान हो रहे हैं? अभी तक तो हम लोग खाली यही सुनते आए हैं कि औरतों घुट घुट के रहती हैं, अब हमने सुना है कि आदमी लोग भी घुट घुट के रह रहे हैं। जैसे कि हमने आदमियों से बातें करी, लेकिन छोटे बच्चों से भी बात करी, 7 साल के लड़के से या 9 साल के लड़के के, और उनसे पूछा, जब हमने पूछा कि आदमी होने का क्या मतलब है, लड़के होने का क्या मतलब है, तो उनकी इमेजेस जो निकली वो सब थी सुपरमैन, सुपरमैन, क्रिकेटर, विराट कोहली या बॉडी बिल्डर्स के नाम निकले। तो असलियत ये है कि कोई आदमी सुपरमैन नहीं है। ये जो हमने डेफिनेशन की है कि इमोशन अगर आपको हुए तो ये कमज़ोर है, एक्सेप्ट फॉर वायलेंस एंड एंगर, गुस्सापन, ये अलाउड है, बाकी सब को दबा के रखो। तो इससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगर किसी को खाली डोमिनेशन, कंट्रोल, अथॉरिटी, लीडरशिप, खाली यही रोल है, तो उसमें बहुत लोनलीनेस होती है। अदील, मैं ये समझना चाह रही थी कि क्या खुद मर्दों को ही जो एक माने समझाए गए हैं मर्दानगी के, मीनिंग के, उसमें खुद जो प्रॉब्लम्स हैं वो मर्दों को भी पता है या नहीं पता है? आर दे अवेयर व्हाट दे मिसिंग? मुझे नहीं लगता कि दे आर अवेयर, और वो शायद इसलिए भी मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जब एक चीज आपको घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके समहाउ आपके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां, और वहां से लेके फिर आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं, वहां भी अगर आपको मुसलसल एक ही चीज सिखाई जाएगी कि आपने अथॉरिटेटिव बनना है, आपने रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपने ब्रेव बनना है, और ब्रेव की भी हमारे यहाँ अगेन वही एक डेफिनेशन, हम करेजियस उसी को कहते हैं जो अपने आंसू रोक सकता है, अपनी सेल्फ को एक्सेप्ट करने वाले को तो हम करेजियस कहते नहीं है। सो वो चीज घुट घुट के समहाउ एक बिलीफ बनती जाती है। आप जिंदगी में अगर प्यार करने जाते हैं, किसी लड़की के साथ आपका मेल मिलाप होता है, आप शादी के बंधन में बनते हैं, तो वो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि जो विमेन आपकी जिंदगी में आ रही होती है वो भी इसी तरीके से जवान की गई होती है कि वो समहाउ वो भी एक लाइल्मी में उसी पेट्रियार्की को सपोर्ट करके आपसे वही सब एक्सपेक्ट कर रही होती है। सो ये कहीं डीप रूटेड जाके एक बिलीफ बन जाता है मर्द का कि उसका एक सर्टन रोल ही है। 3 Idiots, Wake Up Sid, रंग दे बसंती, तारे ज़मीन पर, बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें आखिर में बाप और बेटा एक दूसरे से गले मिलते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनमें थोड़ा थोड़ा खुद को देखते हैं। नहीं, बाप का काम है फैमिली का ख्याल रखना, उसकी जिम्मेदारी उठाना, बच्चों पर सख्ती करना ताकि वो राह से बेराह ना हो जाएं, बिगड़ ना जाएं। बट ऑनेस्टली आई डू वंडर, क्या हमारी सोसाइटी में ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाला बाप उस वॉर्म्थ, उस गर्माहट को मिस नहीं करता होगा जो बच्चे को सीने से लगाकर एक माँ को आती है? अदील, हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। यहाँ हमारे, हम लोगों के बीच में, यू आर द मेल कैंडिडेट हियर। नहीं, मुझे अगर मैं वैसे कहूँ ना, तो जो मुझे अपना स्कूल टाइम याद है कि हम अक्सर दोस्त आपस में ये बात भी किया करते थे कि जब हम मुसलमान ईद मनाते हैं तो ईद की नमाज होती है, और ईद की नमाज के बाद आपने सबको गले मिलना होता है। सो द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट जो हुआ करती थी मेरी भी और मेरे जैसे बहुत से और लोगों की, वो अपने बाप से गले मिलना होता ठीक है कि अब हमने अपने बाप को ना ईद मुबारक कहना है। इट सीम्स वेरी फनी, क्योंकि ये नहीं है कि बाप की तरफ से कोई प्रेशर था या कोई सख्ती थी, बट इट्स जस्ट एक अजीब सा डिस्टेंस था कि भाई आप बस एक ख्याल करते हैं, आप एक रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपने कभी बाउंड्री बचपन में, अगर ऑब्वियसली अपनी औलाद को वो मार्जिन नहीं दिया है कि वो आपके साथ थोड़ी सी शरारत कर सके या मिस्टेक कर सके या जुर्रत भी कर सके, तो वो फिर एक एक उसके दिल में रह जाता है कि वो फिर जिंदगी भर उसी जोन में रहता है। वो आप उस रिलेशनशिप को बिल्ड करना थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि मुश्किल है। जब मैं खुद बाप बना तो मैंने एक चीज वैसे ही रियलाइज की कि मैं अक्सर अपने बेटे को पार्क ले जाता हूँ, और पार्क ले जाके मैं उसको जब स्लाइड्स के ऊपर कहता था कि मतलब ये तुम करो, मैं उसको मतलब यकीन दिला रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नीचे से पकड़ लूंगा, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अब मैं मतलब आई डोंट वांट टू डिनाई इट कि यार मैं, मेरा बेटा डर क्यों गया है ना, इसको नहीं डरना चाहिए, बाकी सारे बच्चे भी तो स्लाइड्स ले रहे हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि जब माँ उसको कहती है तो वो स्लाइड ले लेता है,
जब मैं कहता हूँ तो वो शायद मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं शायद हफ्ते में एक दिन उसको लेके जा रहा हूँ, मेरा उसका उतना टाइम ही इकट्ठे नहीं स्पेंड हो रहा। माँ अगर उसको कह रही है, चूंकि माँ के साथ उसका टाइम ज्यादा गुजर रहा है या उसके अंदर इतनी पेशेंस है कि वो उसको कन्विंस कर लेती है। सो वो कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे फील हुई, और मैं ये समझता भी यही हूँ कि अगेन वही ट्रस्ट वाली बात है कि जब तक आप किसी के साथ उसके लेवल पर नहीं चले जाते, जाके नहीं समझते, उसके एंगल से दुनिया को नहीं देखते, तब तक आपको उसकी साइड की स्टोरी ही नहीं समझ आएगी। तो उसके लिए तो आप अजनबी ही है ना। और हम लोग दुनिया में ज्यादातर, बस वही बात है कि वैसे तो भरम बहुत है हमारे कि हम एक अच्छे बाप भी हैं और अच्छे भाई भी हैं और अच्छे शौहर भी हैं। इस भरम भरम के अंदर ना बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप ऐसा कि हम अपनी सेल्फ तो कभी एक दूसरे के साथ बांट ही नहीं पाते। आप अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर कर पाते, आप अपने सॉरोज या अपने गिल्ट, अपने रिग्रेट्स नहीं बता पाते, इसीलिए कि आपको ट्रस्ट ही नहीं होता। और दूसरा अगेन आपको एक प्रॉब्लम है कि आपने एक फादर का रोल निभाना है, तो आप वीक भी नहीं बढ़ सकते। अगर आप वीक हो जाओगे तो सारी फैमिली का मोराल डाउन हो जाएगा, पर्टिकुलरली बाप के साथ बच्चों का बहुत ज्यादा गैप होगा। लेकिन फिर आप उस गैप को ऐसे कवर कर देंगे कि जी हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अब्बा तो कमरे में बैठे हैं, हम तो बात ही नहीं करते। हमने छोटे बच्चों से बात करी, 11 इयर्स ओल्ड, 12 इयर्स ओल्ड, 11, 12, 13, 7 साल के बच्चे, तो अपने फादर को, पापा को बहुत प्यार करते हैं, डरते हैं। और जब हमने ये पूछा कि सबसे ज़्यादा तुम अपने पापा से क्या मिस करते हो, सब ने एक ही बात बोली कि पापा हमको प्यार नहीं दिखाते। और सबसे ज़्यादा जो अंदर से चाहते हैं बच्चे, वो है प्यार, मीन्स हग, कि हमको छू दें, हमको प्रेज करें, हमको एनकरेजमेंट दें, खाली क्रिटिसिज्म नहीं। हाँ, मतलब रोल मॉडल बन के हर वक्त नसीहत करना भी जरूरी नहीं। मे बी हाँ, एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप तो बिल्ड हो। हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा मतलब फील होता है कि अब व्हेन आई वाज यंग, तो नया नया पाकिस्तान में ना पॉप म्यूजिक आ रहा था, और इतनी हमें इस बात के ऊपर वो होती थी कि यार तुम किस किस्म का म्यूजिक सुन रहे हो, ये अच्छा म्यूजिक नहीं है, ये घटिया म्यूजिक है, ये बेकार म्यूजिक है, ये बेसुरे हैं। अब मैं जब अपने से छोटों को देखता हूँ तो मुझे सेम वही फील आती है, एंड देन आई स्टॉप माय सेल्फ कि नहीं, मैंने अब ठीक है, मुझे वाकई उनका जो म्यूजिक अब बच्चे सुन रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता, और मुझे भी लगता है कि हाँ ये क्या सुन रहे हैं। इट इज सो ब्यूटिफुल अदील कि आपने वो चीज नोटिस की और आपने ये महसूस किया कि जिस चीज की वजह से आपको अपनी जिंदगी में एक कमी महसूस होती है, आप उसको करेक्ट करेंगे, आप कुछ चीजों को अनलर्न करेंगे और कुछ नई बातों को सीखेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, आपको एक्सेप्ट करना, आपको अगले को भी वो प्रोसेस देना है कि वो सीख के आगे आ सके। हम जो कि बचपन से अगर ये वाला एलिमेंट किसी इंसान के अंदर नहीं रखेंगे ना कि तुमने चीजों के बारे में अपनी राय खुद बनानी है, सीखना है तुमने, तुम्हें सही और गलत की पहचान है, लेकिन तुम सिर्फ आगे जाओ। एक आपने बात दीपा बहुत और भी अच्छी कही, हैप्पी मैन डोंट किल, दे डोंट बिकम क्रिमिनल्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, हाउ डिड यू कंक्लूड दैट? वेरी सिंपली, एक तो रिसर्च में ये एस्टैब्लिश है, आता है, लेकिन अगर आप सोचिए कोई कोई आदमी बहुत खुश है, गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, वो किसी को मारने की तरफ नहीं जाएगा। Unhappy people, people who don't experience love, people जो उन्होंने उनको सिखाया गया है, जो अंदर बहुत गुस्सा है, वही मारते हैं। Happiness या खुद में खुशी, अपने वातावरण में खुशी, ये लोग ज़्यादातर मारते नहीं हैं। फिर वो जो हम लोग ने पहले बात करी कि अगर आदमी लोगों को emotional expression की जगह नहीं मिलती, अंदर घुट घुट के रहते हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। और दूसरी बात, ये जो हम लोग के कल्चर में है कि आदमी से एक्सपेक्टेशन है कि वो गुस्सा होएगा, उसका टेम्पर होएगा, और अगर उसका टेम्पर है तो सब लोग डर के रहो, बोलो नहीं, तो यहाँ से कि वो शिकायत नहीं कर सकता है, वो ये नहीं कह सकता है मैं परेशान हूँ, लेकिन वो घर भर पे झुंझला सकता है, गुस्सा कर सकता है, बच्चों के सामने बीवी को डपट सकता है, मार सकता है, ये सब कर सकता है। दिस इज सोशली एक्सेप्टेबल कि भाई आदमी है, गुस्सा आएगा।
सहन करो। नहीं है इससे अच्छा कि वो बैठ कर बात कर ले, शिकायत कर ले कि भाई मुझ पे बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, और अपना जी ऐसे हल्का कर ले बजाय इसके दूसरों पर गुस्सा हो और घर का माहौल ख़राब हो, बच्चे ट्रामेटाइज हों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हों। बिल्कुल। सो इंडिया में कई प्रोग्राम्स अब चल रहे हैं जहाँ आदमी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और बातें करते हैं, और एक तो साइकाइट्रिस्ट हैं जो वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें यही निकलता है कि जैसे ही आदमी लोग ये समझ लेते हैं कि इमोशनल एक्सप्रेशन या परेशानी या किसी से मदद मांगना है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब आदमी नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तब बदलाव आने लगता है। जो हमने रिसर्च की थी ये गरीबों के साथ नहीं की थी, ये हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ जिनके पास जॉब्स हैं, मिडिल क्लास कार्स हैं, पैसे हैं, इन लोगों से बात करी, और तभी भी यही सब निकला कि आदमी लोग अभी भी बहुत कंस्ट्रेंड फील कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि सोसाइटी, क्योंकि पिक्चर्स में जो देखते हैं, बॉलीवुड से जो आता है, ये सब यही रीइंफोर्स ज़्यादा करता है कि आदमी हो तो बहुत ही सुपरमैन हीरो टाइप होए। हाँ, क्योंकि जाहिर है ज़बरदस्ती वो मतलब आपने इंसानी बुनियाद पर भी ऐसे जेंडर्स के बीच में डिवाइड किया हुआ है, भाई इंसान तो इंसान है, इंसान को दर्द कैसे नहीं होगा, उसे उसे तकलीफ़ कैसे नहीं होगी या उसे खुशी कैसे नहीं होगी। अब लेकिन वो एक स्टैंडर्ड जिस तरह से बना दिए गए हैं कि जो रोए वो शिकायत करे तो क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। जैसे अभी दीपा ने हैप्पी मैन की बात की ना, तो बहुत खूबसूरत बात थी कि बहुत अगर माइनर लेवल के ऊपर हमारी सोसाइटी में रिवाज ही नहीं है कि हम किसी के फन को सराहें। अगर कोई नाचता होगा ना मर्द, तो हम उसे कहेंगे यार तुम नाचना छोड़ दो, कोई और मर्दों वाला काम करो। अगर कोई गाता होगा तो हम उसे कहेंगे कि यार ये गाना वाना जो है ना ये भी बस ऐसे ही है, कोई और काम करो। सो छोटी छोटी चीजें अगर आप किसी की सराहते नहीं है ना, तो वो एक खालीपन रह जाता है बंदे के अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ट होती रहती थ्रू। जबकि अगर आप उसको छोटी छोटी चीजों के ऊपर अप्रिशिएट करते रहो तो हमारी सेल्फ बड़ी हल्की हो जाती है, हमें जिंदगी में फिर बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। अगेन एक और चीज, जैसे कहते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वही बंदा जाता है जो बेसिकली इंफीरियर फील कर रहा होता है, वो अटैक्ट होता है तो वो फौरन से अपनी सुपीरियरिटी जाहिर करने की कोशिश करता है, या जब कोई वॉयलेंस की तरफ जाता है तो वो खुद खतरा फील कर रहा होता है, उसको खुद अपनी सेल्फ ऐसी लग रही होती है कि अब अगर उसने ये ना किया तो वो वीक हो जाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट इंडिया ने बोला कि आदमियों को वी डोंट नीड गॉड, वी नीड फादर्स, जो हम पहले बात करते हैं। वी प्रिटेंड, वी लव टू प्रिटेंड, वी लव टू प्रिटेंड कि सब ठीक है। सुइसाइड्स जो होती हैं इंडिया में, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आदमी डबल सुइसाइड्स हैं कंपेयर टू वुमेन। अच्छा। और वायलेंस जो है मोस्टली इज बाय मेन, नॉट बाय वुमेन। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि भाई ये दुनिया, इसके ऊपर, इस जमीन, इस फिजा, इसके ऊपर हम सबका ना मुश्तरका हक है, मतलब दरख्तों का, जानवरों का, कीड़ों का, इंसानों का, हर चीज का एक हक है। आप किसी भी चीज के ऊपर ना तो अपनी अथॉरिटी क्लेम कर सकते हैं, ना उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, और ना ही आप उसके ऊपर अपनी मर्जी और मंशा के भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए वो क्लेम कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ चलें ठीक है हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ें अनलर्न की, उनको भुलाया और बहुत सारी नई चीज़ों को सीखा, कौन सी वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप चाहेंगे कि बदलें, लोग उनको सीखें? हमें सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि हम जिंदगी में चेंज हो सकते हैं। आज हम जिन चीज़ों के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली खड़े हैं, 10 साल बाद हम अपने आप को देख सकते हैं कि यार हम गलत थे या हमसे गलती हुई थी, मतलब बजाय इसके कि आप उसी गलती को कंटिन्यू करें। किसी भी रिलेशनशिप में क्या वैसे ही आपको इतना हम्बल और पीसफुल होना चाहिए कि कोई आपसे डरे नहीं और वो आपसे अपने दिल की बात कर सके। मुझे अपनी लाइफ में पहली रियलाइजेशन ये हुई थी क्योंकि मैं पढ़ा भी बॉय स्कूल में हूं, तो मुझे काफी बाद में जाकर लड़कियों के साथ दोस्ती और इस तरीके के जब इत्तफाकात हुए तो पता चला कि लड़कियां तो कुछ बताती नहीं है। मतलब अगर मैं अपने घर पे हूं तो मेरी बहन ने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताना कि बाहर क्या हुआ, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो मुझे बता देगी तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, मैं या तो उसे घर बिठा दूं या बाहर जाके उस बंदे से लड़के आ जाऊं जिसने उसे तंग किया है, एंड अगेन तोड़ दूं या उसका सर तोड़ दूं। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो विमेन बहुत कुछ बताती ही नहीं है आपको, यानी वो जिंदगी में हो सकता है, और यही वजह है ना कि डोमेस्टिकली जो अब्यूज होती है, घरों के अंदर जो वाकयात होती है, वो कभी खोल ही नहीं पाते। सो पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि यार आपने कभी भी किसी बंदे के लिए ऐसा नहीं बनना कि वो आपसे डरा हुआ फील करे और वो आपके साथ अपने दिल की बात ना कर सके।
ये जो आदिल ने ये बात कही कि चेंज इज कॉन्स्टेंट है ना, चेंज हो सकता है, चेंज के बारे में ओपन रही है, लेकिन हम अक्सर अपने यहाँ देखते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि बड़ी फिल्मी सोसाइटी है हमारी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने अपने ड्रामों, अपनी फिल्मों, अपने यू नो आर्ट एंड कल्चर से सीख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ख़ानदान में कभी ये नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये रिवाज है, ये चलता चला आ रहा है, तो कैसे अब बदल सकता है। क्या इन सब बातों से सोसाइटी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है? कहते हैं कि हर दौर का एक सच होता है, तो उसी उसी को ढूंढना होता है। तो जो आपका कंटेंट है वो अगर आज के दौर की कहानी आपको नहीं सुना रहा और आपको किसी 500 साल पुराने बादशाह के ख्वाब में ले जाके कि यार हम कभी अजीम हुआ करते थे, जो आज का दौर है उसकी रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं। अब वो इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है कि घर में एक आदमी कमाएगा और 10 लोग पलेंगे। अब आपको समझ आ गई है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। सो अब आपका आर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो अब की जनरेशन है उसको उस अल्यूजन से निकाले के वो अपने बाप दादा और परदादा जैसा जो सिस्टम है वो उसी के अंदर बैठे। दे शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड कि अब का क्या जमाना है, अब की क्या डिमांड है, और उसके हिसाब से अपनी सोच को परवान चढ़ाएं ताकि आपके आने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं वो सेफर महसूस कर सके। क्या हमने अपने आने वाले बच्चों को वही प्रॉब्लम्स दे के जाने हैं जो हम फेस करते रहे? क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंटिंग में ये भी बड़ा मसला है कि बस बच्चों के लिए अच्छी तालीम, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रिश्ता, ये सारी चीजें करके चले जाओ, हम सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। सो जो हमारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं इस वक्त पर्टिकुलरली फिल्म के, डिजिटल के, उनको ना सिर्फ मनी मेकिंग का नहीं सोचना चाहिए। जब आप लोगों के दिलों को हिट कर देंगे ना, उनको एक वो उनके दिमाग में मसले खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। ऐसी फिल्म्स आई है कि जहां एक फिल्म इस बारे में है कि एक लड़की और वो साइकिल चलाना चाहती है और उसको साइकिल चलाने की इजाजत नहीं। सो द एंटायर मूवी इज अबाउट हर स्ट्रगल कि वो किस तरीके से साइकिल चलाना सीखती है। इस तरीके थोड़ी है कि आप यही दिखाएं कि ओ बाबा आ गए सब बच्चे अपने घुस गए कमरों में घुस गए, या अगर जो है बाप ने आवाज दी है बच्चे को तो बच्चा जो है डरा सहमा सहमा कमरे से आ रहा है, मियां बीवी से हड़का के ही पूछ रहा है कि जो है तो तुमने किया ही क्या है घर में आज। क्योंकि वो फैंटेसी है ना आपकी, तो आप फिल्म्स में भी वही देखना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हैं, है नहीं। चांद आधा, रात आधी है, फिर किस काम के साथ आधा, बात आधी है बस फिर नाम के। कई बार ऐसा होता है कि वो जिसे हम हरा नहीं सकते वो हमें हरा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 7 लाख से ज्यादा लोग खुद अपने ही हाथों अपनी जान ले लेते हैं, दे कमिट सुसाइड, और उनमें से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह सुसाइड करने वालों में मर्दों की तादाद औरतों से कहीं ज्यादा है। जाहिर है इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं और सब पर हमारा इख्तियार भी नहीं होता, लेकिन क्या जिन पर हमारा बस चलता है, यानी मेंटल प्रेशर्स या जहनी दबाव, क्या हम उन्हें पहचान भी रहे हैं? हम लोग सीखते हैं कहानियों से, तो अगर कहानियों में बड़ी सिंपल चेकलिस्ट होए कि इसको इसमें औरतों को कैसे दिखा रहे हैं और आदमी को कैसे दिखा रहे हैं, यानी कि एक डेलिबरेट इंटरवेंशन हो, आप सोच समझ कर जान कर इंटरवेंशन, आप फिर भी बहुत ही बढ़िया कहानियां सुनाइए, कहानी से हम लोग का दिल खुलता है, ये दिल की बातें होती हैं, और जब दिल बदल जाता है तो दिमाग बदल जाता है। मैं आपको एक थोड़ी सॉरी एक थोड़ी थोड़ी फनी मिसाल दूंगी हम हाँ, जैसे कभी कभार अनवाइंड करने के लिए ना कुछ भी रैंडमली लगा लेती हूँ, देखते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ड्रामे हैं पाकिस्तानी और ये सब, तो आई वॉज वॉचिंग, और इंडियन ड्रामों में भी ऐसा ही है कि परेशानी बहुत है ना, कि लड़की पैदा हुई तो उसका बाप मर गया, वो बड़ी हुई तो उसका घर छिन गया, शादी हुई तो वो ख़राब हो गई, और बच्चा हुआ तो वो ख़राब, कुछ ना कुछ। तो एक दिन में माय हस्बैंड आस्क्ड मी एंड ही सेड कैसे बनाते होंगे, कहते होंगे नहीं अभी इसमें शायद डिप्रेशन कम है, इसकी टांग भी तोड़ दो अभी इसमें परेशानी कम है, इसकी तलाक भी करा दो नहीं अभी दुख नहीं आ रहा है I can completely agree with them के ऐसे ही सोचते हैं, ये यकीन करें ऐसे ही सोचते जब आप ऐसे सोच के बना सकते हैं
तो आप डिफरेंटली सोच के ये क्यों नहीं कर सकते, जैसे दीपा ने कहा कि आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि उसमें क्या आप मर्द की इमेज क्या दिखा रहे हैं, कि आप उसको इंसान की तरह दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह, आप उसको एक 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 ऐसे इंसान की तरह दिखा रहे हैं कि नहीं, जिसको महसूस होता है, जिसको दर्द भी होता है, जो बात भी कर सकता है, जो हंस भी सकता है, रो भी सकता है, वो सारे खाने हैं कि नहीं है। तो आप कह रहे हो ना कि ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते, उसकी वजह ये कि जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स है ना, वो कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कॉन्टेंट उन्होंने देखा है उससे। एक सर्टेन इमेज है जो हमारे ज़हन में थ्रू ओल्ड टीवी एंड फिल्म के वर्क से पड़ा हुआ, और हम उसी इमेज को रिक्रिएट किए जा रहे हैं, जबकि जिन्होंने वो इमेज क्रिएट किया था उन्होंने रियलिटी से शायद लिया था, उनकी रियलिटी ये थी। एग्जैक्टली, जब आपकी अपनी रियलिटी बदल गई है तो आप अपनी रियलिटी के हिसाब से दिखाइए। देखिए, एक बड़ी अजीब सी चीज है, कहते हैं कि जब चार लोग लड़ते हैं ना तो सारे कहते हैं कि ओ ना मारो, ओ ना मारो। तो एक बंदे ने कहा कि जब आप बार बार कह रहे होते हैं ना मारो ना मारो, तो लड़ने वाले के ज़हन कानों में सिर्फ आवाज जा रही होती है मारो। अगर आप कह दो ना छोड़ दो छोड़ दो या पकड़ लो, तो शायद लड़ाई खत्म हो जाए। सो इसी तरीके से ये कि जब आप एक मर्द के ज़हन में भले नेगेटिव ही रोल डालें, लेकिन आप उसको इतना ग्लोरीफाई करके लेकर आ रहे हैं, वो अगर 26वीं किस्त में मर्द की जाके रियलाइजेशन होगी तो 25 किस्तें तो देख ली ना उसने कि मैं इसी तरह कर सकता हूं, तो वो उसके जहन में बैठता जाएगा कि हाँ मेरा यही रोल है, मैंने घर आके ऐसे ही बिहेव करना है। दीपा, क्या क्या करेंगे, तो बड़ा फियर भी होता है इसमें, जो कोई बात करता है या बात करना चाहता है या तब्दीली की बात करता है, तो एक अजीब से एक टैगिंग का सोसाइटी में बड़ा वो सिस्टम है कि ये देखिए ये हमारे औरतों मर्दों को खराब कर रहे हैं, जैसे कि हम ये सब बातें कर रहे हैं। चेंज तो आता ही रहेगा, छोटी छोटी बातों से होती है, कई बार होता है बड़ी बड़ी बातों से। ऐसा हो जाए इनकरेज करें कि आदमियों के फ्रीडम बढ़े और औरतों का, गर्ल्स का फ्रीडम बढ़े, और एक साथ डिसाइड करने की बात है। कि जो हमने पहले सुना था कि ये आदमियों पे ये खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि सबका सबका बोझ रखे फाइनेंशली, ये कोई आदमी नहीं कर सकता। एक छोटा लड़का था जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे, जब 14 साल का था, वो बोला आई हेट बीइंग अ मैन, नफरत है क्योंकि मैं आदमी हूँ। तुम पूछा क्यों भाई, ही सेड अभी से जब मैं 9 साल का था तभी मुझको मालूम पड़ गया कि मेरी जिंदगी निकलेगी खाली कमाने में। इमेजिन, ये मुझको मालूम है कि ये मैं इतना जितना सबके एक्सपेक्टेशंस है मैं कभी नहीं निभा पाऊँगा। True. So probably that is how our हमारे यहाँ सोसाइटी में औरतों को भी सोचना होगा। और अगर मर्दों को नहीं सिखाया गया है बात करना, अपना दुख बांटना, अपनी तकलीफ शेयर करना, औरतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब आगे आएं और इतनी गुंजाइश दें और इतना डायलॉग इस्टेब्लिश करें मर्दों के साथ कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रेशर्स, अपनी तकलीफों, अपने मसाइल, अपने इशूज़ के बारे में बात करना सीखें। Probably this is something that we'll have to teach them all together. बिल्कुल। मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे मजा आया। बहुत अच्छा, बड़ी मालूमात में हमारी फिर से इजाफा हुआ और दीपा की बातें सुनके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपकी बातें सुनने और समझा, आप तो बिल्कुल पोएट हो। अरे आप मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कमिंग फ्रॉम यू। ड्रामा क्वीन के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? डॉक्टर बहू चाहिए जो गोल रोटी बना सके, समझी हैं बात? डॉक्टर बहू जो गोल रोटी बना सके। तो मतलब कहने को ये कि वो डॉक्टर होना उसका एक तुर्रा इम्तियाज है, लेकिन करियर परस्यू नहीं करना है, बनाना गोल रोटी ही है आपका। डोंट मिस इट, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके बारे में, आपके किसी बेहद अपने के बारे में। इट्स अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। हैशटैग ड्रामा क्वीन के साथ अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव दैट वी हैव रिसीव्ड, फॉर लिसनिंग एंड फॉलोइंग ड्रामा क्वीन। थैंक्स टू माय कमिश्निंग एडिटर इयान हैडो, अजीत सारथी का शुक्रिया इस पॉडकास्ट प्रोडक्शन में मेरी मदद करने के लिए, एंड थैंक्स टू साथ सुल्तान फॉर क्रिएटिंग दिस लवली लवली सॉन्ग विद मी। इट्स राइट हियर, लिसन टू इट एंड स्प्रेड द लव एंड फेयरनेस। चुरा चुके बहुत अब नजरें मिला के देखी, लब पर रुके जो साज है वो गुन
से। बीबी।